जिला किन्नौर के निचले क्षेत्र के सेब बागवानों के आर्थिकी में सुधार और जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए नाबार्ड व एसजेवीएन की ओर से 5 करोड़ की योजना चलाई जा रही है। प्रथम चरण में करीब 19,000 नवीनतम किस्म के सेब के पौधों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है। इन दिनों हार्फ संस्था के सौजन्य से चौरा, तरंडा व बरी पंचायत में लोगों को सेब के पौधे बांटे जा रहे हैं। किन्नौर जिला के निचले क्षेत्र के किसानों बागवानों की आर्थिकी सुधारने व जीवन स्तर को ऊंचा बनाने के लिए नाबार्ड व एसजेवीएन के सौजन्य से वानिकी सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें लगभग 5 करोड़ रुपए व्यय किए जाने हैं। प्रथम चरण में तरंडा, चौरा व बरी पंचायत के किसानों को नवीनतम किस्म के करीब 19,000 सेब के पौधे वितरित किए जा रहे हैं, ताकि किसान अच्छी किस्म के सेब तैयार कर अपनी आमदनी बढ़ा सके। योजना के तहत करीब 250 किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से प्रयास हो रहे हैं। हिल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सचिव डॉक्टर हरिंदर ठाकुर ने बताया कि क्षेत्र के किसानों को नाबार्ड व एसजीवीएन की ओर से पौधे वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चौरा, तरंडा व बरी पंचायत में 244 किसानों को इस योजना के तहत लाया गया है। करीब 6 किस्म के पौधे इन किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ लोगों को सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि किसान बेहतर फसल तैयार कर सके। हर एक पौधे तक सिंचाई सुविधा लाने की इसमें कोशिश की जा रही है, और हर एक पौधे को जब सिंचाई मिलेगी तो निश्चित रूप से इस थोड़ा जो एरिया भी थोड़ा ड्राई एरिया है, तो इस एरिया में प्रोडक्शन जो है ज़्यादा बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो है लोगों का जो जीवन स्तर है, लाइफस्टाइल है, वो लाइफस्टाइल जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो ये इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है कि लोगों की इनकम बढ़े और लाइफस्टाइल इंक्रीज हो। तो कितने पौधे आज वितरित किए गए हैं? आज जो है ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये 2 दिन चलेगा। आज हम यहाँ तरंडा में बांट रहे हैं पौधे, तो यहाँ आज 60 लोगों को पौधे बांटे गए हैं, और 60 लोग हमने चिन्हित किए हैं इस साल बरी पंचायत में भी, और वो कल हम उनको बांटेंगे। कुल इस साल जो है 120 जो फार्मर्स हैं इस बगीचा लगाने के प्रोजेक्ट में, उनको कवर किया जा रहा है फर्स्ट ईयर में। वहीं लोगों ने नाबार्ड व एसजेवीएन द्वारा चलाई जा रही इस योजना की सराहना की। बागवानों ने कहा कि उन्हें अच्छी किस्म के पौधे दिए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषण नेगी की रिपोर्ट।